गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो कल डिस्कस किया था, और उसका प्रिंसिपल क्या था? उसका प्रिंसिपल यही था कि हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं उसके पास एक अनचार्ज अर्थड कंडक्टर लाकर। तो मान लीजिए ये कोई पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया ए है, और इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस प्लेट की उत्पाद डेंसिटी है वो सिग्मा। क्या है वो? सिग्मा। तो इसके पास हम ये दूसरी प्लेट लेकर आए जो कि एक साइड से अर्थ की हुई है, तो इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ये था इसका भाई। क्योंकि थोड़ी आवाज गूंज रही थी इसलिए सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल यही है कि हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं, हमें उसके पास एक अनचार्ज अर्थड कंडक्टर लेकर आना होता है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में दूरी जो है वो डी है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये वाली प्लेट ये है और ये वाली प्लेट ये है। तो मान लीजिए ये प्लेट है, तो ये जो प्लेट है इसका कुछ एरिया होगा, ये है इसका भी कुछ एरिया होगा, इनके बीच जो दूरी हो डी मान लो, इन दो प्लेट के बीच जो दूरी हो डी है, और इस प्लेट का एरिया ए है, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा किसके बराबर होगा? तो सिग्मा बराबर होता है क्या भाई? अगर हम मान लें कि इस प्लेट की तो टोटल चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। हमने इसको पहले ही पढ़ा है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो सिग्मा क्या होगा? क्यू बाई ए। तो अब देखिए कि किसी प्लेट के कारण, किसी थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमें पता है, वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई होगा, सिग्मा होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ये इक्वेशन एक हो और ये इक्वेशन दो हो, तो हमने एक चीज पढ़ी थी पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू वी बाई डी, और वी इज इक्वल टू E गुना डी, ई क्रॉस डी। तो हमने पढ़ा है ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट डी बाई डी आर, वोल्टेज बाई लेंथ। इनके बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो वी है, तो दूरी कितनी है डी है, तो वी इज इक्वल टू ई क्रॉस डी। तो वी इज इक्वल टू क्यों डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्लेस की वजह से, इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? वी इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ए एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इसके बाद हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हमें सिचुएशन में पता है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे C इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और वी कैन से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर कि हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ बिटवीन देम। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्लेट का एरिया ज्यादा होगा तो जितनी बड़ी प्लेट होंगी उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी,
और इन प्लेट के जितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही इनके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, अब हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर हों और डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर न हो, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो दो फैराड के, लेट अस सपोज हमारे पास दो दो फैराड के दो कैपेसिटर हैं, लेकिन हमें जो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए वो एक फैराड चाहिए, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम कैपेसिटर्स को, एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम तीन तरह से ग्रुप कर सकते हैं। नंबर एक, सीरीज ग्रुपिंग। नंबर दो, पैरेलल ग्रुपिंग। और नंबर थ्री, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मैं आपको सीरीज में बताऊं, मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये सी वन ये सी टू, तो ये है सीरीज ग्रुपिंग। ये सी वन ये सी टू, इसको हम बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। और ये दोनों आपस में सीरीज में है तो हम क्या बोलेंगे? सीरीज ग्रुपिंग। एक होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग, वो क्या होती है? वो इस तरह हो सकती है कि मान लीजिए कुछ तो कुछ कैपेसिटर सीरीज में है, कुछ कैपेसिटर पैरेलल में है। अब देखिए ये सी वन ये सी टू ये सी थ्री, तो आप इसमें देखिए कि ये दो कैपेसिटर अपने आप में पैरेलल में है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में है। तो हम कैपेसिटर को तीन तरह से ग्रुप कर सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की सीरीज। तो हम पहले पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग। मान लीजिए दो कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो सी वन सी टू, आई करंट गया और आई करंट वापस आ गया, इसका वोल्टेज वी है और इसमें जो टोटल वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा? V के बराबर होगा। तो ध्यान दें कि वही करंट तो यहां से पास हो रहा है और वही करंट यहां से पास हो रहा है, तो अब की बार इनमें चार्ज होगा, बराबर होगा, क्योंकि वही तो वही करंट यहां से आएगा, वही सारा करंट फिर यहां आएगा। लेकिन क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस अलग है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, इसकी कैपेसिटेंस अलग है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी अलग होगा। तो इसकी वोल्टेज को हम V1 मान लेते हैं, इसकी वोल्टेज को हम V2 मान लेते हैं। तो ध्यान दें कि
इज इक्वल टू क्यू बाई वी और वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर ये इक्वेशन एक और ये इक्वेशन दो हो तो अब इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में जो वी वन और वी टू है दोनों ही पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी की वजह से हैं, तो टोटल वोल्टेज जो होगी वो होगी वी वन प्लस वी टू। इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं, तो वी क्या होता है क्यू बाई सी, तो ये क्या होगा क्यू बाई, क्योंकि देखो ध्यान दीजिए कि वही चार्ज इसमें जाएगा, इस जब ये कैपेसिटर फिल पूरी तरह फिल हो जाएगा तो वही चार्ज यहाँ से एंटर करेगा, क्योंकि सेम करंट आई करंट यहाँ से पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो दोनों ही कैपेसिटर में चार्ज तो है वही रहेगा, लेकिन क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है तो इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो प्लस क्यू बाई सी टू, अगर हम दोनों तरफ से क्यू को कॉमन ले लें और कैंसिल आउट कर दें तो क्यू इज इक्वल टू वन बाई सी तो वन बाई सी इज इक्वल टू वन प्लस सी वन प्लस वन बाई सी टू। तो ये था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। तो अब हम इसको एग्जांपल ऐसा करते हैं, मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस 2 फराड है, इसकी कैपेसिटेंस 4 फराड है, लेकिन सपोज इसकी कैपेसिटेंस 2 फराड इसकी कैपेसिटेंस 4 फराड है, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो वो होगी 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम 4 3/4। 1/3 इज इक्वल टू 3/4, लेकिन ध्यान दें ये 1/3 निकला है, हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए तो चाहिए सी, तो सी इज इक्वल टू 4/3। इसको भी हम क्या कर देंगे, पलट देते हैं और इसको भी क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो क्या होगा 1/3 इज 3/4 और सी इज इक्वल टू 4/3। तो ध्यान दें हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 1 फराड से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास इनिशियली 1 फराड का कैपेसिटर नहीं था, तो हम उनको सीरीज में अगर कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस थोड़ी कम हो जाएगी और वोल्टेज की ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम देखेंगे, आपको शायद समझ आ गया होगा, अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग कैसे होती है, मान लीजिए नमस्ते भाई नमस्ते, ये कैपेसिटर सी वन है, ये कैपेसिटर सी टू है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये वोल्टेज वी है, ये आई करंट गया और ये आई करंट वापस आया, लेकिन ध्यान दें कि करंट जैसे ही इस पॉइंट पर आता है तो करंट दो भागों में बटता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर यहाँ आई वन मान ले और यहाँ आई टू मान ले तो अब की बार इसमें क्यू वन चार्ज जाएगा, इसमें क्यू टू चार्ज जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर देखिए आप, इसकी ये प्लेट डायरेक्ट बैटरी की टर्मिनल से जुड़ी हुई है और इसकी ये प्लेट डायरेक्ट इस टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इसी तरह इसकी ये प्लेट डायरेक्ट इस प्लेट से जुड़ी हुई है और सी टू कैपेसिटर की ये प्लेट डायरेक्ट इस प्लेट से जुड़ी हुई है। तो अब की बार इन दोनों में पोटेंशियल बराबर है, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, लेकिन क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है तो अब की बारे में चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर
करंट है, क्योंकि करंट होता ही क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस पॉइंट पर अगर करंट दो आगे बढ़ गया तो यहाँ से आई वन करंट जा रहा है, यहाँ से आई टू करंट जा रहा है, तो हम मानेंगे यहाँ क्यू वन चार्ज और यहाँ पर क्यू टू चार्ज है। लेकिन जो टोटल चार्ज है वो किसकी वजह से, वो बैटरी की वजह से है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यू वन प्लस क्यू टू। अगर हम इसकी इक्वेशन एक मान लें तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और वी कैन से क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर इसको इक्वेशन दो मान लेते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो सी वी इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी, क्यू वन और ये है क्यू टू। क्यू वन की जगह क्या आएगा, क्यू वन वी, इसी जगह सी टू वी, क्योंकि पोटेंशियल तो बराबर है, पोटेंशियल तो सेम ही है। तो अगर दोनों तरह से v को कॉमन लें तो कैंसल आउट हो जाएगा और c इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। तो अगर मान लो ये जो कैपेसिटर एक दो फैराड का है, हम वही एग्जांपल लेते हैं, अगर ये दो फैराड का है और ये चार फैराड का है, तो हमारे पास अब टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो c इज इक्वल टू टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स फैराड। तो हम कह सकते हैं कि शुरू में हमारे पास सिक्स फैराड का कैपेसिटर नहीं था, हमारे पास दो कैपेसिटर थे, एक दो फैराड का और एक चार फैराड का। तो हम उनको अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आया था वो फोर बाई थ्री फैराड आया था। यानी अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज तो बढ़ेगा, लेकिन उनके अंदर जो चार्ज है वो कम हो जाता है। जैसे पहले हमारे पास दो और चार ओम चार फैराड का कैपेसिटर था, और उनको जब हमने सीरीज में जोड़ा, सीरीज में कनेक्ट किया, तो नेट कैपेसिटेंस था वो फोर बाई थ्री फैराड, यानी एक फैराड थोड़ी ही ज्यादा, जबकि हमने उन दोनों ही कैपेसिटर को, उन्हीं दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो दो फैराड और चार फैराड को हमने जब कनेक्ट किया तो हमारे पास था सिक्स फैराड। तो हम ग्रुपिंग, इसीलिए क्वेश्चन यही है कि हम ग्रुपिंग करते ही क्यों हैं, हम ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करके, उनका यूज करके जो डिजायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे होती है। वैसे मिक्स्ड ग्रुपिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर कई बार न्यूमेरिकल दे देती है, तो मैं आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे होती है। तो आपने देखा जो सीरीज होती है, सीरीज ग्रुपिंग थी, सीरीज ग्रुपिंग में वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, ये रिजल्ट आया था। और पैरेलल ग्रुपिंग में सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, ये आया था। तो अब हम देखें मिक्स ग्रुपिंग कैसे होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं मिक्स ग्रुपिंग, मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, सी वन सी टू सी थ्री, तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो और ये क्या है, इनके सीरीज में है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, पहले हम इस ब्लॉक की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, हम उसको मान लेते हैं x। तो x, हम इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक की टोटल कैपेसिटेंस को, जो ये ब्लॉक है जिसमें दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं, हम इसकी कैपेसिटेंस को x मान लेते हैं। और x कितनी होगी, क्योंकि ये है पैरेलल में, तो x c x बराबर होगा c2 plus c3। तो हमारे पास इस ब्लॉक का टोटल कैपेसिटेंस आ गया वो है x। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सीधे ही ऐड कर देते हैं, तो x आ गया c2 plus c3। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो c1 है और ये x है, ये दोनों सीरीज में है,
तो सीरीज में कैसे होगा, 1 by c is equal to 1 by c1 plus 1 by x. तो 1 by c is equal to c1x x plus c1 और c is equal to c1x बटे x plus c1. तो x कितना है, तो x है c1 into c2 plus c3 और यहाँ आएगा c2 plus c3 plus c1. तो देखिए पहले हमने इनका कैलकुलेट किया, x मान लिया c2 plus c3 तो, और उसके बाद c1 इनके साथ सीरीज में है तो सीरीज का ये हो गया और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया. तो ये था मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये क्या था मिक्स्ड ग्रुपिंग. तो शायद आपके लिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू.